एक विशेष मुद्दे को लेकर के मैं आपके समक्ष लाइव हूं और आज प्रातः भी मैंने इस आवाज को आप सभी के माध्यम से भीमसेना के माध्यम से उठाया था। जैसे कि आपको पता है और तीन दिन से आप लगातार देख भी रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं उनके गुंडा राज में, उनके राज में आगरा शहर में बहुजन समाज की एक 15 साल की 10वीं क्लास की छात्रा, हमारी बहन, हमारी बेटी की पेट्रोल डाल करके जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। और योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को एक बेहतर मुख्यमंत्री कहते हैं, एक बेहतर प्रशासनिक शासन व्यवस्था चलाने का दंभ जो भरते हैं, उनकी तरफ से कोई भी बयान अब तक भी नहीं आया है। 15 साल की एक मासूम बेटी उन दरिंदों की भेंट चढ़ जाती है। सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर शोषण, ज्यादती जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, सरकार तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन बहुजन समाज की जो बेटी आज इन दरिंदों का शिकार हुई है, वहां से रेफर कर दिया गया था दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था और आपको यह बताते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि रात को उस बहुजन बेटी ने, उस मासूम ने जिसका कोई कसूर नहीं था, उस बेगुनाह ने दम तोड़ दिया जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए। न्याय मांगती है आज वो भी, उसका पूरा परिवार न्याय मांगता है। हम सभी लोग, भीमसेना की टीम, बहुजन समाज के साथी आज प्रातः सफदरजंग अस्पताल हम लोग पहुंचे थे और हमने न्याय की मांग की थी। दिल दर्द से भर उठता है, आंखों से आंसू जो छलकते हैं शायद उनका रुकना मुश्किल होता है, सीना फट जाता है, कलेजा फट जाता है जब वो चीत्कार देखते हैं, वो दर्दनाक चीत्कार देखते हैं उस मां की, कि क्या कसूर था उस मां की बेटी का और क्या कसूर था उस मां का जो बेटी आज हमारी बीच में है, इस दुनिया में नहीं है, जो मां आज सवाल पूछ रही है, जिसकी दर्द भरी चीत्कारें आज सवाल पूछती हैं कि क्या कसूर था मेरी बेटी का जो उसकी ऐसी निर्मम हत्या कर दी गई। किसके साथ दुश्मनी थी? किसी के साथ नहीं, किसी के साथ भी कोई रंजिश नहीं थी, उसके बावजूद भी महिला विरोधी लोगों ने, जो लोग अपने आप को पुरुष प्रधान समझते हैं, जो लोग जातिवादी लोग हैं, जो लोग महिला विरोधी लोग हैं, उन लोगों ने आज एक घर का चिराग छीन लिया। जो बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, जिसकी यह उम्मीद थी कि पढ़ लिख करके वो अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम रोशन करेगी, वो बेटी हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। और हम बात करते हैं कि हम कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून के तरीके से बात करें। हम कई बार बात करते हैं संविधान के दायरे में रह करके लड़े, लेकिन मैं एक बड़ा सवाल एक और उठाता हूं, क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आपकी बहन को, आपकी बेटी को कोई जिंदा सरेआम जला दे, दिन दहाड़े जला दे और आप हाथ पे हाथ धर के खामोश बैठ जाए? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि उन दरिंदों को जिन्होंने ये घिनौना कुकृत्य किया है, उन दरिंदों को भी सरेआम बीच चौराहे पर आग लगा देनी चाहिए। यदि किसी के बस की बात नहीं है तो मैं लगाता हूं अपने हाथों से। मुझे नहीं लगता डर ना किसी की जेल जाने से, ना फांसी पर चढ़ने से, लेकिन ऑन द सपोर्ट हम ये फैसला भी करने को तैयार हैं। तो पुलिस क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर रही? क्यों पुलिस हमें मजबूर कर रही है? किस लिए ये सरकार हमें मजबूर कर रही है?
कानून हाथ में लेने के लिए। साथियों, अगर मेरी बात से सहमत है तो शेयर कर दीजिए, सभी साथियों तक बता दीजिए, हमें न्याय चाहिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा निवासी जो हमारी बहन थी, आगरा निवासी हमारी बहन के साथ आगरा में इस तरह की घटना होती है, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में, योगी आदित्यनाथ जो है आगरा में मीटिंग लिवा रहे होते हैं डीजीपी महोदय से। यानी कि योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है वो आगरा में मीटिंग ले रहे होते हैं। डीजीपी साहब की नाक के ठीक नीचे यह घृणित कांड घटित कर दिया जाता है, कैसे हम बर्दाश्त करें। सफदरजंग अस्पताल पहुंचे थे हम, उसके परिवार का विलाप देख करके हमारी भी आंखें भर आई और मन तो चाहा कि अगर वे लोग सामने आ जाए तो हम उनको जिंदा जला दें। जिन्होंने यह घृणित वाक्या किया है, जिन्होंने एक परिवार का चिराग छीन लिया, उस बेटी को, उस मासूम बेटी को, उस मासूम बहन को जिंदा जला दिया, यदि वे हत्यारे हमारे सामने आ जाए तो शायद उनको छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। लेकिन फिर भी कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम लोग ये डिमांड करते हैं, ये मांग करते हैं कि हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए, उनको फांसी दी जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो उपलब्ध कराया जाए। यह परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, जिसके पास में किसी भी तरह का कोई भी आर्थिक साधन या आमदनी का कोई जरिया नहीं है और इस परिवार के एक सदस्य को, कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए और इस परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि कल को कोई भरोसा नहीं दोबारा से वे लोग अटैक कर दें, घर में और भी परिवार के सदस्य हैं, ये समझना चाहिए। और आगरा प्रशासन, आगरा के एसएसपी साहब, आगरा के एसएसपी साहब, आगरा के डीएम साहब, मेरी इस बात को कान खोल करके सुन ले कि जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए, वरना फिर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यदि वे लोग हमारे हत्या चढ़ते हैं तो हम उन लोगों को जिंदा जला देंगे ऑन द स्पॉट, हम यह कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। कब तक देश में, देखिए हालात आप, बलात्कार, गैंगरेप, जिंदा जलाने की घटनाएं, एसिड अटैक की घटनाएं, कब तक यह देश सहेगा, कब तक यह देश खामोश रहेगा। उसके बाद में चंद मोमबत्ती जला करके हम लोग सड़कों पर निकल जाएंगे कि बहन हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी तक जिंदा है। चूड़िया पहन रखी है हम लोगों ने कि मोमबत्ती कैंडल लेकर के फिर हम रोड पे निकल जाए और रोड पे निकल करके मोमबत्ती लेकर के हाथों में ये चिल्लाते फिरे कि बहन हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी तक जिंदा है। क्यों चूड़िया पहन रखी है हम लोगों ने, यह बड़ा सवाल पूरे देश के सामने भी बनता है। कुछ चंद गंदी मानसिकता वाले लोगों ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। महिलाएं स्वतंत्र नहीं है आज भी, महिलाएं आज भी खुल के सांस नहीं ले सकती, खुल के महिलाएं चल नहीं सकती। आगरा में संजलि नाम की 15 साल की हमारी बेटी को, 10वीं क्लास की छात्रा को, बहुजन समाज की बेटी को, जिन सबसे बड़ी बात मैं शुरू से इस बारे में बताता रहा हूं कि गिरफ्तार करने की बात तो बहुत दूर दूर तक है, अभी तक उन निठल्ले पुलिस वालों ने उस योगी आदित्यनाथ के पुलिस वालों ने, उस योगी रोगी भोगी की सरकार की ढोंगी पुलिस ने अब तक भी उन आरोपियों को, उन हत्यारों की उनकी पहचान तक भी नहीं की है। यह हालात है उत्तर प्रदेश के, पूरे यूपी के अंदर गुंडा राज कायम है, पूरे यूपी में मैं कहूंगा बीजेपी की सरकार है, नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडों की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के गुंडों की सरकार है। सबसे बड़ा सवाल मैं शुरू से भी उठा रहा था और आज भी उठा रहा हूं, मैं ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता की चाबी दे रखी है जो कि मंदिरों में घंटा बजाने के लायक है, जो बबेरे हैं,
वे शासन व्यवस्था क्या संभालेंगे, वे क्या लोगों को न्याय दिलाएंगे। महिलाएं आज न्याय मांगती हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती हैं। हमें बहन संजलि को न्याय दिलाना है, उन हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। इसी में योगी आदित्यनाथ जी आपकी भलाई है और इसी में उत्तर प्रदेश की पुलिस, आगरा की पुलिस आपकी भलाई है। उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज जो चरम सीमा पर हावी हो चुका है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मोदी जी जवाब दो इस बात का कि बोल मोदी बोल, कि बोल योगी बोल, दोनों बोलेंगे, सीएम साहब भी और पीएम साहब भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दर्द है इस सीने में, तभी दहाड़ रहा हूं मैं आज यहां पर। इस सीने में दर्द है, उस मां से पूछो जिस मां की बेटी जिंदा जला दी, उस पिता से पूछो जिस पिता के कंधों का सहारा जो है उसकी बेटी जिंदा जला दी। वह बेटी एक होनहार बेटी थी, पढ़ाई में अव्वल थी, एक प्रतियोगिता में बकायदा साइकिल जीत करके लेके आई थी, नंबर वन रहती थी पढ़ाई में। उस बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं हम लोग। भीमसेना पीछे नहीं हटी है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। देश में हालात खराब ना हो, प्रदेश में हालात खराब ना हो, अतः योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी इस बात का जवाब दो कि आरोपियों की, हत्यारों की गिरफ्तारी कब तक होगी। बोल मोदी बोल, बोल योगी बोल, कब तक गिरफ्तार करेंगे आप, कब तक आपकी पुलिस उन हत्यारों को गिरफ्तार करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ठोंक करके देने वालों, तुम्हें सिर्फ नारे देने आता है, बेटी की सुरक्षा के बारे में कभी सोचा है, कभी बहनों की सुरक्षा के बारे में सोचा है। तुम लोग मंचलों के खिलाफ अभियान चलाते हो, ऐसे मंचलों का क्या जो सरेआम दिन दहाड़े बेटियों को पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दें। क्या है तुम्हारा ये मंचला अभियान, दम तोड़ रहा है तुम्हारा मंचला अभियान। न्याय चाहिए उस बेटी को, और डंके की चोट पर खुल करके न्याय मांगते हैं कि जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को गिरफ्तार कर लो, वरना अगर ये दिमाग सटक गया और भीमसेना का दिमाग सटक गया तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रशासन के लिए, तुम्हारी सरकार के लिए कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। साथियों जितना ज्यादा हो सके आप हैज संजली वांट जस्टिस नाम से टाइप करें सोशल मीडिया पर, और हम लोग सफदरजंग में उस पूरे परिवार से रूबरू होकर के आए हैं, उनके दुख में शरीक हैं, हम पूरे तन मन धन के साथ उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, 42 आवर्स बीत चुके हैं, 72 घंटे बीतने वाले हैं, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। इस पूरे परिवार को हम सबको मिलकर सहयोग करना है, और संजलि हमारी बहन हमारी बेटी को आज न्याय चाहिए, न्याय की इस आवाज को बुलंद करना है। सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पूरे देश में बहुजन समाज से और उन सभी लोगों से जो लोग मानवता के पक्षधर हैं, जो महिला अत्याचार जो हो रहे हैं उनके विरोधी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप संजलि को न्याय दिलाने के लिए आगे आए और ज्यादा से ज्यादा एकजुटता के साथ में इस न्याय की आवाज को बुलंद करें। जितने साथी जुड़े उन सभी साथियों को नवाब सतपाल तवर का क्रांतिकारी जय भीम, और मैं एक बार फिर उस बहन को उस बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन साथियों इतने भर से बात नहीं बनेगी, हम सबको न्याय के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और न्याय के लिए आगे आना होगा। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।